नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नूरपुर थाना परिसर में अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष धीरज सिंह सोलंकी ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने तथा सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। थाना अध्यक्ष ने अशांति फैलाने का प्रयास करने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने ईद उल अजहा का त्योहार नगर व देहात क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने, आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की। बैठक को संबोधित करते हुए SP ग्रामीण रामर्स जी ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के बाद अवशेषों को गड्ढे में दबाए, सफाई का ध्यान रखे, किसी झूठी अफवाह पर ध्यान ना दे और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का हर संभव सहयोग करे। चांदपुर CO सुनीता दाहिया जी ने कहा कि कुर्बानी का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करे, कहीं भी कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए जिससे नगर वे क्षेत्र का माहौल खराब हो। CO ने त्यौहार को शांति से मनाने के साथ कुर्बानी से किसी को परेशानी ना होने देने की बात कही, साथ ही कुर्बानी के अवशेष जमीन में दबाने की अपील की। चांदपुर SDM मांगेराम चौहान जी ने कहा कि श्रवण मास के चलते एहतियात बरते। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा पर कोई नई परंपरा शुरू नहीं होने दी जाएगी, शरारती तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए शहर इमाम मौलाना मोहम्मद अली ने सभी लोगों से ईद उल अजहा का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाने की अपील की और पुलिस प्रशासन को सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर थाना अध्यक्ष धीर सिंह सोलंकी के अलावा थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मीटिंग के बाद थाना प्रांगण में SP ग्रामीण रामर्ज एवं चांदपुर SDM मांगेराम चौहान व CO सुनीता दाहिया ने वृक्षारोपण किया। देखिए नूरपुर से हमारे संवाददाता गुलफाम राजे की रिपोर्ट। और क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, सबसे पहले दोनों त्योहारों की आपको शुभकामनाएं। हम लोगों की उपस्थिति दिखाती है कि हम लोग समाज के लिए चिंतित हैं, तभी अपना समय यहाँ पर दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी। हम त्यौहार परंपरागत रूप से मनाते आते हैं, कोई पहली बार नहीं मना रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि देखिए, पर्व के बारे में प्रशासन का काम क्या है? प्रशासन का काम ये है कि जो भी पर्व पड़ा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी हो, उस त्यौहार को बेहतरी से आपका मने उसको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि तनाव में त्यौहार हो तो प्रशासन खड़ा हो वहाँ, फिर उस त्यौहार का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रशासन को जो सुविधा उसे इंतजाम इंतजामिया टाइप का कि जो इंतजाम करना हो इंतजाम करेगा। नगर पालिका है, उसका काम है साफ सफाई, चूना छिड़काव, जो आपका अवशेष निकला वो चाहे बकरीद में आपका जो अवशेष निकलता है उसको उचित स्थान पर उसको गड्ढा खोद करके उसको जो है डिस्पोज कर देना। जो कांवड़िया हमारे भाई बंधु कांवड़ लेके आएंगे, अगर जहाँ जहाँ शिविर लगना है तो एक वो जरूर बता दीजिए शिविर कहाँ कहाँ लगेंगे, ताकि जो शिविर हमारा लगेगा वो रोड से थोड़ा हटके लगा दिया जाए, क्योंकि वही रास्ता हमारा आवागमन का रहता है और वही कांवड़ियों का रहेगा, क्योंकि कांवड़िया आते हैं अपनी कांवड़ को रखते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो उसमें विवाद हो जाता है। तो मेनली हमें स्पेशली वही देखना है जो शिविर लगेंगे, शिविर थोड़ा रोड से हट के लगा दिए जाए ताकि वो आराम से। क्या इसमें शिविर लगता है? कहाँ कहाँ लगता है ये लिस्ट जरा दे दीजिएगा। थाना अध्यक्ष के माध्यम से हम आपको जो भी निर्देश होंगे वो अवगत भी कराएंगे। तो शिविर मेनली है कि शिविर जहाँ लग रहा है वो हट के लगे, रोड पे बिल्कुल रोड पे लगा दिया। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।